मोहम्मद अली जिना की काविशों के नतीजे में वजूद पजीर होने वाली मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में कयाम के 72 बरस बाद भी जिसकी लाठी उसकी भैंस का कुलिया कारफरमा नजर आता है। इल्म कानून कायदा कुलिया उसूल सब अपनी जगह, अगर आपके पास ताकत नहीं तो आप मुश्किलात के लिए आसान हो जाते हैं। तारीख इंसानी गवाह है कि ताकतवर ने हमेशा राज किया। अल मुख्तसर जिसकी लाठी उसकी भैंस। पाकिस्तान का कयाम तो एक फलाही रियासत के लिए हुआ था और कायदे आजम ने फरमाया था पाकिस्तान इस्लाम की तजुर्बा गाह होगा। ताहम जितने तजुर्बात इस मुल्क के साथ हुए या किए गए इन सब के क्या ही कहने। कयाम पाकिस्तान के फौरन बाद का किस्सा कुछ यूँ है कि सन 1947 में एक फौजी अफसर ने जब सियासी उमूर में मुशावरत की कोशिश की तो कायदे आजम ने उसे सख्ती से टोक दिया और कहा तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ सरहदों की हिफाजत है। पाकिस्तान की तारीख फौज की सियासत में मुदाखलत से भरी पड़ी है। सन 1954 की बात है कि कुछ आकबत ना अंदेश सियासतदानों ने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल अयूब खान को वजीर दिफा बनाकर विफाकी काबीना में शामिल कर लिया। सदर सिकंदर मिर्जा ने सन 1958 में मार्शल लॉ नाफिज करके आर्मी चीफ जनरल अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। सन 1968 में कन्वेंशन मुस्लिम लीग के मरकजी सदर अयूब खान ने अपने ही सन 1962 के आइन से इन्हराफ करते हुए इक्तदार कौमी असम्बली के स्पीकर के हवाले करने के बजाय आर्मी चीफ जनरल यहिया खान के सपोर्ट कर दिया। सन 1988 में इंतखाबात से पहले पीपल्स पार्टी को इलेक्शन जीतने से रोकने के लिए आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद असलम बेग और DGISI जनरल हमीद गुल ने IJI तश्कील दी जिसकी सरबराही गुलाम मुस्तफा जतोई को सौंपी गई। रिटायर्ड एयर मार्शल असगर खान के केस में इंकशाफ हुआ था कि सन 1990 के इंतखाबात में जनरल असलम बेग और जनरल असद दुरानी ने बेनजीर भुट्टो को इलेक्शन में नाकाम बनाने के लिए इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद यानी IJI के मुतअद्दिद उम्मीदवारों को 70 मिलियन रुपए से ज्यादा रुकूमात तकसीम की। सन 1993 में जब मुल्क के सियासी हालात कशीदा हुए तो सूरत हाल को काबू करने के लिए उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल अब्दुल वहीद काकड़ ने सदर मुमलिकत गुलाम इसहाक खान और वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ के दरमियान सियासी तनाजे को हल करने के लिए दोनों को ही मुस्ताफी होने पर मजबूर कर दिया। खुद साख्ता जिला वतनी गुजारने वाली साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो ने वतन वापसी और मुल्की सियासत में दोबारा फाल होने के लिए आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ से NRO का मुआहदा किया। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली की तहरीक जब अपने जोबन पर थी तो इस तहरीक के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी ने आर्मी चीफ जनरल परवेज कियानी से लॉन्ग मार्च रोकने के लिए मुआवनत हासिल की। सन 2014 में इमरान खान और ताहिरुल कादरी के धरने के दौरान आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने अपने हलफ के मुनाफी सियासी किरदार अदा करने का फैसला किया। इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी एक फोन कॉल पर आर्मी चीफ से मुलाकात के लिए GHQ पहुँच गए। उनका ये इकदाम आइन की स्पिरिट के मुताबिक न था। जावेद हाशमी ने भी इमरान खान के बारे में इंकशाफात किए थे कि आज़ादी मार्च को फौज की हिमायत हासिल है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार इसकी मईशत पर होता है और पाकिस्तान की मईशत पर फौज के ज़ेर इंतज़ाम इदारों का खातिर खा हिस्सा है। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और फौजी फाउंडेशन के तहत चलने वाले इदारों का मजमूई मुआशी हजम कम से कम अंदाजों के मुताबिक भी 20 से 25 अरब डॉलर है। ये सरमायाकारी पाक फौज को वफाकी हुकूमत के अलावा और इसके बाद पाकिस्तानी मईशत में सबसे बड़ा एक होल्डर बना देती है। दिफाई सनतों पैदावार इसके अलावा है जिस पर फौज का मुकम्मल कंट्रोल है। दूसरा सबसे बड़ा स्टेक होल्डर होने का मतलब ये है कि हुकूमत वक्त की इख्तियार करदा तमाम मुआशी पॉलिसियों के नतीज का फौज की मुआशी पोजीशन पर बराह रास्त असर पड़ता है। इसीलिए मुआशी से लेकर रियासती पॉलिसियों तक किसी भी कारोबारी ग्रुप के मुकाबले में फौज ज्यादा मुतासर होती है। बतौर इदारा फौज का मुफाद इसी में है कि पॉलिसियाँ उसी की मशावरत या मर्जी से तय पाए या इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इनके नुकसानदेह नतीज से फौज को महफूज रखा जाएगा। बाहर कैफ इसे मुदाखलत कहें या कुछ भी, जब तक सांस है तो आस है। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।